अब दुनिया कह रही है कि ये भारत की सेंचुरी है। There is a big global power play, जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है, एक ऐसा वार्म वेलकम। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रूसी शहर कजान पहुंच गए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मोदी साहब जब भी रशिया उतरते हैं, किसी भी सिटी में या शहर में उतरे, उनका बड़ा ही जबरदस्त इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त वहां पर हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन्स इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफी डाल दी। इंडिया ब्रिक्स जैसे जो समिट्स होते हैं, ब्रिक्स जैसी जो एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें इंडिया अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार, हमें तुम ना पाकिस्तान मत समझना। पीएम नरेंद्र मोदी लैंड्स इन द हेरिटेज सिटी ऑफ रशिया कजान। कजान में पीएम मोदी लैंड कर चुके हैं और उसके ऊपर कहा जाए लैंड्स इन द हेरिटेज सिटी ऑफ कजान रशिया ऑन अराइवल पीएम वाज वार्मली रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ टाटरिस्तान रुस्तम मिनीखानोव। उन्होंने उनको रिसीव किया है, उनकी तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं जिसमें जो वहाँ के कजान के जो एक वो है ट्रेडिशनल ड्रेस, उसके अंदर जो है उनको रिसीव किया गया है। रेड कारपेट वार्म वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन पीएम मोदी को दिया गया है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को, सभी को। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मोदी साहब जब भी रशिया उतरते हैं, किसी भी सिटी में या शहर में उतरे हैं, उनका बड़ा ही ज़बरदस्त इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त वहाँ पर हो रहा है और लाइव मैं आपको ये बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी ग्रीट्स एंड इंटरेक्ट्स विद मेम्बर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा से उनकी इस वक्त मुलाकात हो रही है एज ही अराइव्स एट होटल कॉर्स्टॉन इन कजान और रशिया। He is here to attend the 16th BRICS summit और काफ़ी वहाँ पर इंडियंस जमा हो चुके हैं और वहाँ की जो यानी कि रशिया इंडियन जो डायस्पोरा है उसने बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम किया है मोदी साहब को। और उसी तरीके से वो जब भी कहीं पहुँचते हैं तो इंडिया का एक जो कल्चरल कहना चाहिए कि जो हमें नज़र आता है वहाँ पर कि कैसे कल्चरल वैल्यूज़ को सामने रखा जाता है वहाँ पे, रक्स इंडियन डांस म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस ये सब कुछ चलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मोदी साहब को रिसीव किया गया। दोस्तों इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहाँ पे समझें कि देयर इज़ अ बिग ग्लोबल पावर प्ले, जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको, तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है, बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन्स इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफी डाल दी है, फिर जफी पाती है ना,
और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफियां पुटिन नु पांदा है, यार मारा है जफियां पुटिन को डालता है, ठीक है। और ये वो जफी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज अ स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक चीज याद रखें टू बी अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल दैट मेक सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है, उसे पता है कि लोगों की नब्ज गेंद फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है, इंडिया ऑलरेडी इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूं और आज की ये जो पुटिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुटिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुटिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुटिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी जारी बात है वो जैसे कहेंगे ना कि एक, एक, एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है दो दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या बोला मोदी जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग पाकिस्तान को वेपन दे रहा था तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स। क्या सिग्निफिकेंस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे मौजूद है, शी जिनपिंग साहब ने भी वहाँ पहुँचना है, क्या मुलाकात हो सकेगी, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है, अगर हो अगर ना भी हो लेकिन फिर भी ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह कायम और दायम है। इस तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि रशिया को आइसोलेट कर रहे थे। यस, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो ब्रिक्स जो है 45% of the world population है, यानी कि just a little shy of half of the world population. Exactly. और 35% of the world economy है, एक तिहाई है, ठीक है ना? So based on of course purchasing power parity and all that, so इसको किसी भी stretch of imagination से और अगर रशिया इसको hold कर रहा है तो आप इसको वो तो नहीं कह सकते क्या कहते हैं आइसोलेशन। वेस्ट की गलतफहमी है कि दुनिया उनके कहने के हिसाब से चलेगी, वो इंडिया को भी अभी आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया को भी अभी वो खींच रहे हैं कि हमने पन्नून को मारने की कोशिश की और निजर को गोली मरवा दी और ये है वो है, रॉक एजेंट की फोटो भी उन्होंने रिलीज कर दी और उसके बाद आरसीएमपी यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है उसने सो कॉल्ड पर्सन ऑफ सस्पेक्ट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया हमारे जो उच्चायुक्त हैं वहाँ पे श्री वर्मा जी को। सो ये उनकी एक टैक्टिक्स, अब इससे कौन वो दुनिया को, मैं चूंकि वेस्ट में रहा हूँ ना, मैं इनकी एक माइंडसेट को फकर भाई आपको बताऊँ व्हाट इज समथिंग कॉमन टू देम, और वो है कि दे आर वेरी गुड एट टेकिंग रिवेंज। उनका एक ही है कि आप उनसे पंगा लोगे तो सैंक्शन फॉलो करेंगे। हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं, इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोच कर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया। एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था, उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने, जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया।
और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी, तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान हो गया, बहुत अच्छे दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए, हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने बात तीन वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो भी चाइना को भी कहा था, अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें। उस एक मैसेज ने काम किया, और उससे पहले भी एससीओ से लेकर अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे चाइना को कि देखो भैया, जब तक आप हमारी आर्मीज बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। और यही एक कारण था, यही रीजन था कि हमने दबाव बना के रखा था चाइना पे कि देख भाई, आर्मी अगर आपके सामने है तो बात नहीं। चाइना कहता बात कर लेते, आर्मी हटाते रहेंगे। इंडिया कहता नहीं, पहले आर्मी हटेगी फिर बात होगी। अब रशिया भी इस चीज को जानता था, पुतिन इस चीज को मानते हैं, और मेरा ऐसा मानना यह है कि वो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है यहां पर, जो इस चीज को शब्दों में बयान करके चाइना पे दबाव डाल सकते थे। उन्होंने डाला और ये कहा कि यार, इंडिया गलत कहां कह रहा है, बॉर्डर के ऊपर तुमने आर्मी खड़ी कर रखी है और कॉपरेशन की बात करोगे, ये तो बकवास बात है। तो वो तो लिप सर्विस हो गई ना एक तरीके की, ठीक है यार, कुछ बोलना था बोल दू, बाकी कुछ नहीं। यहां असलियत में चाइना के ऊपर दबाव जो था उसका असर था 4 साल 3 महीने बाद ही से, अप्रॉक्सिमेट 4 साल 3 या 4 महीने हो गए हैं बाद ही सही, अगर हम देखेंगे तो पूरे का पूरा मैटर रिजॉल्व हो गया है।